हे गाइस, वेलकम बैक टू देव रजनी ब्लॉग्स। आज हम लोग अंजनी टेंपल में आए हुए हैं। अंजनी टेंपल इस्कॉन टेंपल से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर बाहर प्रसाद की स्टॉल लगी हुई हैं। अब हम लोग अंदर चलते हैं तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग पहुँच गए हैं अंजनी टेंपल। यहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और यहाँ की बहुत मान्यता है। वैभव भी ध्यान मग्न मुद्रा में है और यहाँ काफ़ी भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कहते हैं कि हनुमान जी की ये मूर्ति दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाती है, है ना आश्चर्यजनक बात। ये हनुमान जी की मूर्ति के बैक साइड में है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, सामने राम दरबार है और माता रानी की मूर्ति है। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर प्रसाद मिलता है मीठे चावल का, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो हमने भी प्रसाद ग्रहण किया यहाँ पर। अंजनी टेंपल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये श्री निवासा वेंकटा स्वामी का टेंपल है, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो चलिए टेंपल में अंदर चलते हैं। श्री निवासा वेंकटा स्वामी टेम्पल भगवान श्री विष्णु को डेडिकेटेड है। तो यहाँ की भी बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ भी काफ़ी भक्त आते हैं और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये मेन मंदिर है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर के बैक साइड में ये हॉल है, यहाँ पर ट्रेडिशनल सामान की एग्जीबिशन लगी हुई है। साउथ के मंदिरों में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर बहुत ही ब्राइट कलर इसमें बनाते हुए भरते हैं और बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई होती है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही सारे मंदिर मिलेंगे आपको, चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।